क्या बीजेपी जीतकर हार गई है? आपको हम बताएं, यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से माहौल बनाया गया था विपक्ष को लेकर के कि विपक्ष जीता हुआ फील कर रहा था, कर रहा है, आपको हम बता दें। और वही दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बीजेपी की सरकार तो बन गई है लेकिन लोग मानते हैं कि बीजेपी हारी हुई है। क्यों हारी हुई है आपको हम बता दें, क्योंकि अयोध्या हार गई है और बड़ी हार जो है उनको यूपी में देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है जिस प्रकार से 400 पार का नारा दिया गया था लेकिन 400 पार के 300 पार भी नहीं हो पाया, तो ये भी एक हार का वजह माना जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि विपक्ष जो है अपनी उम्मीदों से ज्यादा आया है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा, लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं था, लेकिन काफी ज्यादा सीटें आई हैं इस बार। तो कांग्रेस विपक्ष जो बना है मजबूत बना है, तो कहीं ना कहीं मानना जा रहा है कि बीजेपी की हार हुई है। हार के कारण क्या बताई जा रही है, आपको हम बता दें कि बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस, जिस प्रकार से 400 पार का नारा लगाया गया इसे लेकर लोगों को लगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में है और कार्यकर्ता जो है उनको लगा कि मोदी के नाम पर हमको वोट मिल जाएगा, जो कैंडिडेट है उनको लगा कि हमको मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, जिस कारण से कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को नुकसान हुआ है, एनडीए को नुकसान हुआ। वहीं जो विपक्ष है वो संविधान और आरक्षण को लेकर सवाल लगातार खड़ा करता रहा है कि खत्म हो जाएगा 400 पार की जो बातें हो रही हैं, इसे लेकर अगर 400 पार होता है तो विपक्ष खत्म होगा, विपक्ष खत्म होने के बाद संविधान और आरक्षण वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये दो कारण जो है आपको बता दें कि ये सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ये जो दो कारण है, ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा संविधान और आरक्षण को लेकर के जो सवाल खड़ा किया गया था। तीसरा बताया कि राम मंदिर, राम मंदिर के कारण जो अयोध्या में जो तोड़फोड़ हुई है उसे काफी ज्यादा लोग नाराज थे, कुछ लोग कैंडिडेट को लेकर भी नाराज थे, तो शायद ये भी कारण बन सकता है। तो तीसरा कारण आपको हम बताएं कि ये है कि राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर के कारण से जो लोग माहौल सोचे कि बनेगा वो माहौल नहीं बन पाया, उल्टा में जो तोड़फोड़ हुई उस कारण से लोगों में नाराजगी आई, नाराजगी आने के बाद से वहां पे बीजेपी हार गई है। आपको हम बताएंगे जो चौथा कारण बताया जा रहा है, विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था अग्निवीर को लेकर के कि अग्निवीर जो योजना है अगर हमारी सरकार आती है तो हम उसको वापस करेंगे और अग्निवीर से बचाएंगे। अग्निवीर को लेकर के जो इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि यह जवानों के साथ में नाइंसाफी है और बीजेपी सरकार जो नाइंसाफी कर रही है, इसको लेकर काफी जो लोग हैं उनसे कनेक्ट हुए कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, इन सब चीजों से हम लोग बच पाएंगे। आपको हम बताएं कि पांचवा जो है यूपी में पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिस कारण से लगातार पेपर लीक होता रहा है, इसके लेकर युवा वर्ग जो है काफी ज्यादा नाराज था, इस कारण से नाराजगी देखने को मिली यूपी में और काफी सीटें कम हो गई है। एनडीए गठबंधन की जो सीटें कम हुई है वो एक बड़ा कारण बताया जा रहा है पेपर लीक। यूपी में जिस प्रकार से पेपर लीक लगातार हुआ जिसे लेकर युवा वर्ग जो है काफी ज्यादा नाराज था। आपको हम बताएं कि जो छठा कारण देखने के लिए मिल रहा है कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी, राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने इस बार यूपी में कमाल कर दिया। यूपी, आपको हम बता दें कि यूपी में लगभग आधा सीट का नुकसान हो चुका है बीजेपी को, जिस कारण से जो सपा 5 पे सिमटती थी आज लोग भारी संख्या लेकर बैठी हुई है। तो आपको हम बता दें कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इन सब चीजों के कारण जो है बीजेपी की जो सीटों में कमी आई है, 400 की जगह 300 भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसीलिए आपको हम बता दें कि लोग मान रहे हैं कि बीजेपी जीत कर भी हार गई है और विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन जो है वो हार कर भी जीता हुआ महसूस कर रहा है। आपको हम बता दें कि लगातार जिस प्रकार से राम मंदिर का माहौल बना था, लोगों को लगा कि राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा, बीजेपी को भी लगा कि हम लोग 400 पार कर जाएंगे, लेकिन 400 पार का जो नारा लगाया गया उसी का विपरीत किया गया, विपक्ष ने उसी को मुद्दा बना लिया कि 400 पार मतलब विपक्ष की समाप्ति होगी और आरक्षण और संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, लोगों के अंदर एक डर घुस गया। वही आपको हम बताएं जो विपक्ष है वो 1,00,000 रुपए देने का जो योजना सामने लाया था कि जो हम गरीब परिवार को 1,00,000 रुपए देंगे, यह योजना भी काफी हद तक काम किया है। आपने देखा कि चुनाव खत्म होने के बाद यूपी में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर जाकर लाइन लगाने लगी थी, तो उनके अंदर यह विश्वास आ गया था कि कांग्रेस की सरकार आती है या फिर आ रही है तो हमें 1,00,000 रुपए मिलेगा, जिसे लेकर लोगों के अंदर में यह विश्वास जगा और विश्वास जगने के बाद बीजेपी से उन्होंने बायकॉट किया और बीजेपी से हटकर कांग्रेस को समर्थन किया और यूपी में एक बेहतर टीम बनकर उभरा है। आपको हम बताएं कि यूपी जो है, इस कारण से यूपी जो है एक रोल मॉडल बनकर उभरा है और इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा सहायता कर रहा है और एनडीए को काफी बड़ी चोट दी है यूपी ने इस बार। आपको हम बता दें कि इन सब कारणों से बीजेपी को लोग हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो लोग समर्थन है बीजेपी के वो लोग हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है अपने आप को जीता हुआ और प्राउड फील कर रहा है क्योंकि वो एक भारी विपक्ष बनकर उभरा है और इस बार जो है विपक्ष में दम है कि जितनी सीटें आई हैं, जितने लोग इस बार चुनकर आए हैं विपक्ष की तरफ से, तो लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है कि हम जिस प्रकार से लग रहा था विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस बार फिर से मौका मिला है।
और इंडिया गठबंधन जो है वो इस बार मजबूती से सामने खड़ा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।